बॉक्स हुआ और खड़ा कर तो गाइस बस्ती में इस साल लगा है महेशमति साम्राज्य। देख सकते हो बाहुबली का राजमहल यहाँ पर है और हम लोग जा रहे हैं इसमें घूमने। तो आप सब वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में बस्ती का पूरा मेला आप सबको दिखाएंगे, ठीक है। देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है बाहर से। इस साल बहुत ही अलग लोकेशन है, देख सकते हो। तो गाइस अभी हम बैठे हैं बड़े वाले झूले पर, बहुत ही ऊपर है, देख सकते हो बहुत ऊपर बैठे हैं झूला झूलने के लिए। बहुत ज्यादा डर लग रहा है इधर। झूले से नीचे का व्यू देख सकते हो आप कैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ से। देखिए वहाँ पर कई प्रकार के झूले नीचे भी लगे हुए हैं। यहाँ पर हम बैठे हैं, अभी झूला चालू नहीं हुआ है, सभी को बैठा रहे हैं धीरे धीरे। और अभी तो अच्छा लग रहा है लेकिन जब चालू होता है ना बहुत ही डर लगता है बड़े वाले झूले पर, लेकिन फिर भी झूल रहे हैं, बहुत दिनों बाद झूल रहे हैं, क्या ही होता है। धीरे धीरे बगल में जो लोग बैठे थे ऐसी ऐसी बात बोल रहे थे, बहुत हंसी लग रही थी सुन करके। तो देख सकते हो यहाँ पर टावर भी है, कितना अच्छा लग रहा है। दुबई का सीन यहाँ पर दर्शाया गया है। ये वाला सीन पिछले साल भी था और इस साल भी है, देख सकते हो। बस यही महेशमति साम्राज्य कुछ अलग है इस साल। देखिए कितना अच्छा यहाँ पर लग रहा है। और यहाँ पर बाहुबली का सिंहासन भी है, सभी लोग उसी पर जा जा के बैठ कर फोटो खिंचवा रहे थे, हम भी खींचे हैं। इधर सेल्फी पॉइंट बना हुआ है कई, तो सभी लोग जा जा के सेल्फी ले रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से मेला। हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुसुम गोरखपुरिया में। तो आज हम जा रहे हैं मेला देखने, तो आप सब वीडियो में बने रहिए, चलते हैं अपने बस्ती का मेला आप सबको दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, तो मेरा लुक आज का कैसा लग रहा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी निकलते हैं घर से सभी के साथ, ठीक है। तैयारी नहीं है सुमन, चलो बहन भाई संदीप। चलो निकलती ना जल्दी। तो फ्रेंड घर से निकलने के बाद हम सब ने ऑटो पकड़ा मनोरी चौराहा पर, और वहाँ से अभी उतर चुके हैं पांडे बाजार में। और यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ डांडिया खेल रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये पांडे बाजार का लोकेशन है, आप सब देख सकते हैं। जो लोग मेला देखने गए होंगे उनको पता ही होगा कि ये किस जगह का है, लेकिन फिर भी मैं आप सबको बता रही हूँ जिनको नहीं पता है। ये पांडे बाजार का पंडाल है माता जी का, देख सकते हो। यहाँ से और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर माता जी का भंडारा हो रहा था, सभी लोग खा रहे थे खाना। और थोड़े थोड़े दूर पर ही कई मूर्तियाँ बैठी हुई थी,
देख सकते हो मम्मी आगे आगे जा रही है, पीछे सब बच्चे पार्टी हैं, भाभी हैं और मैं और सुमन। देखिए यहाँ पर भी माता जी का पंडाल है, बहुत ही प्यारी माता जी लग रही थी, क्या ही बताएं। देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत पंडाल भी सजाया हुआ है माँ का। और इससे आगे गए तो यहाँ पर देखिए हमारे देश की आन बान शान, तिरंगा जिस कलर का होता है उसी तरह से यहाँ पर पंडाल बनाया गया है। और यहाँ की माता जी बहुत ही प्यारी लग रही थी, देख सकते हो झूला झूल रही थी। यहाँ पर सुमन ने झूला झूलाया था, मैंने उसका वीडियो बनाया था, शॉर्ट में अपलोड किए हैं, तो आप सब देखिएगा। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुकून मिल रहा था माता जी का दर्शन करके, क्या ही बताएं। देख सकते हो कैसे झूला झूला रहे हैं सभी लोग जा जा करके। और इधर हम हैं, दिखा रहे हैं कि देखो हम ही कैमरा कर रहे हैं। और उसके बाद में गुफा वाली माता जी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन देख सकते हो इतनी भयानक भीड़ है भाई। गेट के अंदर तो पूरी लाइन लगी ही लगी है, गेट के बाहर का नज़ारा आप सब देख सकते हो, पूरी सड़क जाम है और इतना लाइन लगा था कि क्या ही बताएं। इसलिए हम लोग गुफा वाली माता जी का दर्शन करने नहीं गए थे, जहाँ पर झरना टाइप पानी गिर रहा है, शंकर भगवान जी हैं। देख सकते हो लाइन, देख लो भाई गेट के बाहर इतनी लाइन लगी है, इतनी लंबी लाइन कौन लगाएगा। इसीलिए हम लोग इधर नहीं गए, यहाँ से और आगे गए तो यहाँ पर और एक बहुत ही प्यारा माँ का पंडाल मिला देखने को, जहाँ राम सीता लक्ष्मण सभी लोग साथ हैं और माता जी भी हैं। और यहाँ पर खाटू श्याम का भी मूर्ति बनाया गया था, शंकर भगवान भी हैं, देख सकते हो। बहुत ही अच्छा अच्छा पंडाल था बस्ती में, पांडे बाजार का नज़ारा आप सबको दिखा रहे हैं, देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है इधर। यहाँ पर हम और सुमन ने सेल्फी भी खींची थी अच्छी अच्छी इस लोकेशन पर, देख सकते हो कितना भीड़ है भाई, क्या ही बताएं। मम्मी पीछे जा रही है प्रसाद, कह रही है खा लो खा लो। देख सकते हो प्रसाद ही मिल रहा था, गाजर का हलवा यहाँ पर मैंने खाया था थोड़ा सा, सुमन ली है हाथ में, देख सकते हो मम्मी ला के दे रही है। और क्या ही बताएं, डीजे चल रहा था, हर तरफ डीजे चल रहा था, इसीलिए वॉइस ओवर करके आप सबको बता रहे हैं। और मेरा गला भी बैठा हुआ है, क्या ही बताएं। माता जी की जयकारा लगाते आरती गाते हुए ना माइक में गाओ ज़्यादा तेज तेज से तो गला बैठ गया है मेरा। और यहाँ पर देखिए अभी पांडे बाजार में हम लोग चलते चलते थक गए, तो सोचे चलो कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने खाया था चाट और चाउमीन, देख सकते हो अभी चाउमीन मैं खा रही हूँ, सभी लोग खाए थे, बस मैं ही दिख रही हूँ खाते हुए। और देखिए उसके आगे और चले, उसके और आगे जा रहे हैं, देख सकते हो कितनी भीड़ है भाई। अभी मेला जब दशहरा ख़त्म हो जाता, मतलब नवरात्रि ख़त्म हो जाता है दशहरा, उसके 5 दिन तक मेला लगा रहता है बस्ती में, तो अभी 2 ही दिन हुआ है और देख सकते हो इतना ज़्यादा भीड़ है। अभी 3 दिन और मेला रहेगा तभी से इतनी ज़्यादा भीड़ है, क्या ही बताओ। जिस दिन माता जी उठने वाली रहती है उस दिन तो इतना भयानक भीड़ रहता है, क्या ही बताएं। देख सकते हो एक और बहुत ही प्यारा पंडाल माता जी का देखने को मिला। और मैं आप सबको एक और बात बता दूं कि हम लोग पहले दिन घूमने गए थे तो माता जी की साड़ी दूसरी कलर थी, और जब दूसरे दिन घूमने गए तो दूसरे कलर। हमारे ख्याल से माता जी को मतलब रोज़ नया नया साड़ी पहनाते हैं, शायद इसीलिए हम सोच रहे माता जी तो वही है, साड़ी कैसे चेंज हो गई। फिर सोचे अच्छा माता जी को मतलब बदल देते होंगे साड़ी रोज। देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है माता जी, बहुत ही बड़ी मूर्ति है, देख सकते हो।
यहाँ पर शॉर्ट वीडियो हम बनाए थे कई, देख सकते हो कितनी भीड़ है भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ सुमन और मैं जा रहे हैं पैदल चलते चलते, पांडे बाजार ही घूमते घूमते हम लोग थक गए थे, क्या ही बताएं। देखिए अब यहीं से हम लोग वापस जा रहे हैं इस माँ के पंडाल से, थोड़ा और आगे गए थे उसके बाद वापस चले गए थे घर पर, फिर दूसरे दिन मेला देखने आए थे यहाँ प्रदर्शनी में।